खबर बिलासपुर से है, जहां रविवार शाम एक के बाद एक कर दो मालगाड़ी डिलेर हो गई। जोनल स्टेशन के पास सीमेंट बोरी लोड मालगाड़ी पटरी से उतरकर जमीन में दौड़ने लगी, जिसके कारण ओएचई तार टूट गया और खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते कोरबा रूट के साथ ही बिलासपुर रायपुर रूट की यात्री ट्रेनें बाधित हो गई और यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद रेलवे ने कई लोकल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। रविवार की शाम करीब 6:35 पर बिलासपुर जोनल स्टेशन के RRI केबिन के सामने कोयला लोड मालगाड़ी के 3 वैगन डिरेल हो गए। मिडिल लाइन में हुई इस घटना से ओएचई तार टूट गए और खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पहले शाम करीब 6:45 कोरबा चांपा रूट में बालपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतर गई। एक साथ दो हादसों के बाद रेलवे के अफसरों में हड़कंप मच गया। सभी विभागों में अधिकारी देर रात तक घटना स्थल पर मौजूद रहे और रेल यातायात को सुचारू करने के लिए वैगनों को पटरी पर लाने के लिए मशक्कत करते रहे। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के साथ ही अन्य सभी विभागों के अधिकारी और उनकी टीम चांपा के बालपुर स्टेशन में डिरेल हुई मालगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए मशक्कत कर रहे थे। परेशान अफसर सभी चांपा कोरबा रूट को सामान्य करने के लिए परेशान थे, तभी उन्हें बिलासपुर में RRI केबिन पास मालगाड़ी के डिरेल होने की सूचना मिल गई। एक साथ हुए दो हादसों की खबर के बाद रेलवे के अफसरों में हड़कंप मच गया है। शाम को जोनल स्टेशन के यार्ड के पास मिडिल लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 5 की लाइन में जाते समय मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। बताया जाता है कि इंजन के बाद 3 वैगन के सभी पहिए पटरी से नीचे आ गए और मालगाड़ी जमीन में दौड़ने लगी। हालांकि उसमें सीमेंट की बोरियां लोड होने के कारण इंजन और वैगन रुक गए और बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ओएचई तार टूट से चिंगारी उठने लगी। तेज आवाज सुनकर यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं बिलासपुर से रायपुर जाने वाली लोकल ट्रेन को अचानक रेलवे स्टेशन में ही कैंसिल कर दिया गया। उस समय यात्री ट्रेन में मौजूद थे। ट्रेन कैंसिल होने की खबर सुनकर यात्री भी परेशान होते रहे और रायपुर जाने के लिए विकल्प तलाशते रहे। हादसे की वजह से राजेंद्र नगर से दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस को भी खड़ी कर दिया गया। बाद में इस ट्रेन को बिलासपुर से दुर्ग तक पैसेंजर बनाकर रवाना किया गया। बालपुर की घटना के बाद कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। 08746 रायपुर कोरबा मेमो को चांपा रेलवे स्टेशन में ही रोक दी गई। चांपा स्टेशन में कोरबा जाने वाले यात्रियों को बस या टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। अब 6 जून को कोरबा से रायपुर के लिए छूटने वाली 08745 कोरबा रामपुर ट्रेन बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होगी। इस घटना की वजह से स्लीपर व ट्रैक क्षतिग्रस्त हुए हैं, इससे रेलवे को काफी नुकसान भी हुआ है। उसके बाद कमर को मारा, कमर कहाँ पे? आगे को भी पहले गिरा।